हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन और गुंजन्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूं सुपर डिलीशियस गाजर का हलवा, जो काफ़ी डिफरेंट है। आपने गाजर का हलवा बहुत बनाया होगा, बट आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। मैं इसको कंडेंस मिल्क में बनाई हूं, बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप एक बार बना लेंगे तो इसका स्वाद आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया एक गाजर का हलवा बन के रेडी हो गया है। आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तभी भी आप इसको बना के दे सकते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता है। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हम गाजर को सबसे पहले ग्रेट कर लेंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्रेट कर ली हूँ। तो मैंने एक केजी गाजर ली हूँ, उसको मैंने अच्छे से धो के और इसको ग्रेट कर ली हूँ। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम 3 से 4 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। उसके बाद हम गाजर को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको भूनेंगे 2 मिनट तक इस तरीके से चलाते हुए। देख सकते हैं 2 मिनट हो गया है। उसके बाद हम इसको ढक के 5 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट हो गया है। वापस इसको हम इस तरीके से चला देंगे और अभी नहीं हुआ है और हमें कुछ देर इसको हमें कुक करना है। तो वापस इसको हमें ढक के कुछ देर और हमने कुक किया है, आप देख सकते हैं। और इसको हमें बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए 10 से 15 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें मिल्क मेड लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 400 ग्राम मिल्क मेड ली हूँ और मेरा गाजर 1 केजी है, इसलिए 400 ग्राम मिल्क मेड डालना है। उसके बाद इसकी जगह पर आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मिल्क मेड डाली हूँ, इसमें ऑलरेडी चीनी रहता है, इसलिए चीनी डालने की आपकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसको हम ड्राई होने तक चलाते हुए, ढकना नहीं है अब, और इसको हम पकाएँगे। तो देख सकते हैं अच्छे से ड्राई हो गया है। उसके बाद हम इसमें मावा ऐड करेंगे। ये मावा ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके बिना भी बना सकते हैं, बट मावा डालने से और भी टेस्ट अच्छा लगता है। और डाल के इसको भी हम अच्छे से 1-2 मिनट भून लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स ली थी जिसको मैंने घी में पहले से ही भून ली थी, उसको हम डालेंगे। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना भुने भी डाल सकते हैं, बट ड्राई फ्रूट्स को अगर आप घी में भून के डालेंगे तो और भी टेस्ट अच्छा लगता है। उसके बाद एक से 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और डाल के अच्छे से इसको हम 2-3 मिनट तक और थोड़ा सा हम पका लेंगे। तो देख सकते हैं हो गया है, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। इसका कलर आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो देखिए हमारा एक गाजर का हलवा बन के रेडी हो गया है। मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो सर्व करने के लिए मैं एक बाउल में निकाल ली हूँ। तो देखिए एक बाउल में मैं निकाल ली हूँ और मैं थोड़ा सा मैंने मावा बचा ली थी, इसको ऊपर से डेकोरेट करने के लिए ऑप्शनल है पूरी तरह, और जिससे देखने में अच्छा लगेगा और खाने में भी और भी डिलीशियस लगेगा। तो इस तरीके से आप भी गाजर का हलवा ज़रूर बनाएं और अपने घर में अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, बनाइए। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। वाओ, देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, मेरे तो मुंह में पानी ही आ गया है। मैं तो बहुत जल्दी इसको खाने वाली हूँ। यह गाजर का हलवा बहुत ही डिलीशियस और माउथ मेल्टिंग है। यह खाने में हर किसी को अच्छा लगेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।